ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहला टी20 मुकाबला जीत करके दोस्तों सूर्य कुमार यादव रो पड़े और रोहित शर्मा को याद करते हुए कहे कि वर्ल्ड कप के जख्म अभी हमारे भरे नहीं है, अभी ऑस्ट्रेलिया की टीम से पांचों टी20 के मुकाबले पर जीत से बदला लेना है। आपको बता दें दोस्तों, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच 5 मैचों की टी20 सीरीज का आगाज हो चुका है, जहाँ पर सूर्य कुमार यादव को कैप्टन बनाया गया है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टी20 के सीरीज के मुकाबले में। सूर्य कुमार यादव ने दोस्तों पहले टॉस जीत करके पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले टी20 के मुकाबले में। वहीं पे ऑस्ट्रेलिया की टीम पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में बनाए 208 रन, जिसमें ऑस्ट्रेलिया की टीम की ओर से सबसे ज्यादा जॉर्ज इंग्लिश 110 रन बनाए। वहीं पे टी स्मिथ ने 52 रनों की पारी खेली। ऑस्ट्रेलिया की टीम के बैट्समैन ने दोस्तों भारतीय टीम की गेंदबाजों की पिटाई करते नजर आए, जो कि 20 ओवर में 209 रनों का टारगेट दिए, जो कि एक असंभव था पहला टी20 मुकाबला जीतना भारतीय टीम के। 209 रनों का लक्ष्य का पीछा करने उतरी टीम इंडिया की शुरुआती बेहद ही खराब रही, जहां पर पहले ही ऋतुराज गायकवाड रन आउट होकर चले गए। उसके बाद दोस्तों जायसवाल भी कुछ अच्छा नहीं किए। वहीं ईशान किशन और सूर्य कुमार यादव ने पारी को संभाली टीम इंडिया को। कुमार यादव का आया दोस्तों चौके छक्कों का तूफान। दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों की पिटाई करते नजर आए सूर्य कुमार यादव और एक तरफ से ईशान किशन का भी बल्ला चला। वहीं दोस्तों 39 गेंदों में ईशान किशन ने 58 रन बनाए 5 छक्के और 2 चौकों की मदद से, और सूर्य कुमार यादव ने टीम इंडिया को जीत के उम्मीद तक ले गए। 42 गेंदों में 80 रनों की पारी खेले 9 चौके और 4 छक्के की मदद से 80 रनों की पारी खेले। दोस्तों उसके बाद रिंकू सिंह ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टीम इंडिया की जीत दिलाई, जहां पर 14 गेंदों में उन्होंने 22 रन बनाए। लास्ट के गेंदों पर दोस्तों छक्का लगा करके दोस्तों रिंकू सिंह ने मुकाबले को जिताई और सूर्य कुमार यादव की कप्तानी में टी20 के पहले मुकाबले में टीम इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को 2 विकेट से हराया। कुमार यादव की पहली कप्तानी में टीम इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टी20 का सीरीज का पहला मुकाबला जीत करके दोस्तों सूर्य कुमार यादव बोले कि वर्ल्ड कप का जख्म अभी हमारा भरा नहीं, हम इनसे बदला लेंगे। तो आप लोगों की दोस्तों क्या राय है कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को शेयर करें। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहला टी20 मुकाबला जीत करके दोस्तों सूर्य कुमार यादव रो पड़े और रोहित शर्मा को याद करते हुए कहे कि वर्ल्ड कप के जख्म अभी हमारे भरे नहीं है, अभी ऑस्ट्रेलिया की टीम से पांचों टी20 के मुकाबले पर जीत से बदला लेना है। आपको बता दें दोस्तों, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच 5 मैचों की टी20 सीरीज का आगाज हो चुका है, जहां पर सूर्य कुमार यादव को कैप्टन बनाया गया है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टी20 के सीरीज के मुकाबले में। सूर्य कुमार यादव ने दोस्तों पहले टॉस जीत करके पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले टी20 के मुकाबले में। वहीं पे ऑस्ट्रेलिया की टीम पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में बनाए 208 रन, जिसमें ऑस्ट्रेलिया की टीम की ओर से सबसे ज्यादा जॉर्ज इंग्लिश 110 रन बनाए। वहीं पे टी स्मिथ ने 52 रनों की पारी खेली। ऑस्ट्रेलिया की टीम के बैट्समैन ने दोस्तों भारतीय टीम की गेंदबाजों की पिटाई करते नजर आए, जो कि 20 ओवर में 209 रनों का टारगेट दिए, जो कि एक असंभव था पहला टी20 मुकाबला जितना भारतीय टीम के लिए। 209 रनों का लक्ष्य का पीछा करने उतरी टीम इंडिया की शुरुआती बेहद ही खराब रही, जहां पर पहले ही ऋतुराज गायकवाड रन आउट होकर चले गए। उसके बाद दोस्तों जायसवाल भी कुछ अच्छा नहीं किए। वहीं ईशान किशन और सूर्य कुमार यादव ने पारी को संभाली टीम इंडिया को। कुमार यादव का आया दोस्तों चौके छक्कों का तूफान। दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों की पिटाई करते नजर आए सूर्य कुमार यादव और एक तरफ से ईशान किशन का भी बल्ला चला। वहीं दोस्तों 39 गेंदों में ईशान किशन ने 58 रन बनाए 5 छक्के और 2 चौकों की मदद से, और सूर्य कुमार यादव ने टीम इंडिया को जीत के उम्मीद तक ले गए। 42 गेंदों में 80 रनों की पारी खेले 9 चौके और 4 छक्के की मदद से 80 रनों की पारी खेले। दोस्तों उसके बाद रिंकू सिंह ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टीम इंडिया की जीत दिलाई, जहां पर 14 गेंदों में उन्होंने 22 रन बनाए। लास्ट के गेंदों पे दोस्तों छक्का लगा करके दोस्तों रिंकू सिंह ने मुकाबले को जिताई और सूर्य कुमार यादव की कप्तानी में टी20 के पहले मुकाबले में टीम इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को 2 विकेट से हराया। कुमार यादव की पहली कप्तानी में टीम इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टी20 का सीरीज का पहला मुकाबला जीत करके दोस्तों सूर्य कुमार यादव बोले कि वर्ल्ड कप का जख्म अभी हमारा भरा नहीं, हम इनसे बदला लेंगे। तो आप लोगों की दोस्तों क्या राय है कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को शेयर करें।